केंद्रीय श्रम संगठनों के कर्मचारियों ने निकाली वाहन रैली। मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को रद्द करने, निजीकरण पर रोक लगाने, सार्वजनिक उद्योगों की अंधाधुंध बिक्री पर श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा बहाल करने, महंगाई पर रोक लगाना, हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देना, कोविड से प्रभावित जनता को सीधा लाभ देना जैसी मांगों को लेकर आज पूरे देश के श्रम संगठनों ने 28-29 मार्च को आम हड़ताल शुरू की। झुंझुनू में श्रमिकों ने शिक्षक भवन झुंझुनू से जिला कलेक्टर तथा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया, जिसे अन्य संगठनों ने सहयोग दिया। रैली में प्रतिनिधियों में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष दुर्गाराम मोगा, अखिल भारतीय किसान सभा के फूलचंद बरबर, मदन सिंह यादव, सुमेर बुडानिया, नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष राजेश बिजारणिया, जिला महामंत्री बिबाल कुरेसी, विजय यादव उपस्थित रहे।